हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है ना, और इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ओके, इसको हिंदी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो हम इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, दोनों में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम उसे कहेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस, और उसकी प्रॉपर्टीज न्यू होनी चाहिए, जो पहले था उससे हटके होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब इसमें अपने पास आ जाता है दो पॉइंट, क्या क्या चीज कि जो रिएक्शंस होगा उसमें रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे। तो देखिए, यदि अपने पास ए प्लस बी दो कोई कंपाउंड्स है और उसके रिएक्शंस करने के बाद ये सी एंड डी बना रहा है, या कह सकते हैं ओनली सी बना रहा है, तो ये जो एरो से पहले है जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रिएक्शंस में भाग ले रहा है ए और बी, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। ओके, और जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, है ना, जिसको कहते हैं उत्पाद या फिर कहते हैं प्रतिफल, और इसको रिएक्टेंट का हिंदी होता है अभिकारक। ओके, तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। फिर हम डेफिनेशन से थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, रिएक्टेंट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, भाग लेता है रिएक्शंस में, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। सेकंड देखिए डेफिनेशंस, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंस सी और डी बना था, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइजेशंस ऑफ फूड। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आफ्टर डाइजेशन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना, जो एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है, तो वो क्या है, एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट रेस्पिरेशंस, जो हम श्वास लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन रिएक्शंस करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है हमारे बॉडी के अंदर, और फिर वो जो CO2 है वो एक्सहेल करता है, मतलब बाहर जा रहा है, तो रिएक्शंस वहाँ पे हो रहा है, तो हमने उसके अंदर डाला क्या, O2, और रिएक्शंस के बाद क्या निकला, CO2, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, रेस्पिरेशंस को भी रिएक्शंस मानते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडोथर्मिक जिसमें आप हीट दे रहे हैं, है ना, रिएक्शंस के लिए हीट आप सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशंस होता है, रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है, तो हमारे जो नाक से हवा निकल रही होती है, CO2 निकल रही होती है, तो वो CO2 जो होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, देखिएगा, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके क्या हो रहा है, रस्ट पकड़ ले रहा है, उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम Mg का O2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, मतलब हम उसको जलाते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। फॉर्मेशंस ऑफ कर्ड, दही का जमना, पहले दूध था, प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट बन रहा है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस जनरेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उसके लक्षण कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, गुण नहीं लक्षण, तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में देखिए यहाँ पे, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज इन स्टेट और फेज, ध्यान दीजिएगा इस पर, कैसे पहचानेंगे आप कि रिएक्शंस हुआ है, तो हो सकता है कि आफ्टर रिएक्शंस उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, स्टेट मतलब अवस्था, फेज मतलब क्या, अवस्था। जैसे कोई हम पेपर जला रहे हैं, तो पेपर हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, यह कह सकते हैं पेपर जो है उसकी जो क्वालिटी है अलग है, और हमने क्या किया उसको जला दिया, तो जलाने के बाद उसका स्टेट चेंज हो गया, राख बन गया वो, है ना, तो उसकी मतलब जब हमारे पास रिएक्शंस होता है तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट बदले, तो हम कह सकते हैं कि वो किस चीज़ का कैरेक्टर है, तो रिएक्शंस का कैरेक्टर है ना, ओके, केमिकल रिएक्शंस का। नेक्स्ट चेंज इन कलर, कलर बदल सकता है रिएक्शंस के बाद, है ना, जैसे कि हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, है ना, या फिर आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिया, उसमें नेल डाल दिया, नेल इन द सेंस लोहे का, तो उसका कलर चेंज होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने क्या लिया, एक हमने KMnO4 आता है, पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, और पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने उसमें धीरे धीरे नींबू निचोड़ना स्टार्ट किया, तो जब पोटेशियम पर मैग्नेट अगर हमने उसका विलयन बनाया हुआ पानी से, तो उसमें जब हम नींबू डालेंगे तो वो कलर जो है बैंगनी कलर का जो
वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बिल्कुल पानी जो है सफेद हो जाएगा। हो सकता है आप घर पे करके इसको देख सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट मेडिकल के शॉप पे 18-20 रुपये मिल जाता है। नेक्स्ट है अपने पास चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आएगा। जब भी रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में क्या होगा, बदलाव आएगा। मतलब किसी किसी रिएक्शन में, सब में नहीं, किसी किसी में तो हम कह सकते हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, जैसे कि मैं चूना आपने लिया है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी में डाला, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो चेंज, मतलब रेज करेगा, बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई कोई रिएक्शन होता है जिसमें गैस इवॉल्व होता है, मतलब निकलता है, है ना। अब मेटल को डाल दीजिए आप किसमें, एसिड में, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो उस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक अवक्षेप का बनना, अवक्षेप सफेद जैसा, ये एक क्या कह सकते हैं, पृथक होकर के, मतलब विलयन से अलग दिखाई देगा और आफ्टर रिएक्शंस, तो इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, नेक्स्ट है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, कितने तरीके, मतलब रास्ते बता रहा है, तरीका बता रहा है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे। तो इसके दो रास्ते हैं, देखिए दो कौन कौन से, एक है वर्ड इक्वेशंस और नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस में फर्क यह है कि यदि हम वर्ड इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें हमें उस रिएक्शंस को बैलेंस करना या कह सकते हैं उसको लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो स्पेस ज्यादा लेता है वर्ड्स इक्वेशन। लेकिन वही अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, आसानी से हो जाता है और हम इसको बैलेंस भी करने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होती है। तो देखिए वर्ड इक्वेशंस क्या है, जैसे जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो सीधा सीधा यहां पे लिखा हुआ इसका नाम, दोनों को मिलाया तो क्या बना, यहां पे जिंक सल्फेट बना और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, बाहर निकला। उसी चीज को यहां पे इन्होंने क्या किया है, सिंबल से दिखाया, Zn + H2SO4, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को मिलाया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। यहां भी एरो देना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशंस है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स, इसमें क्या करते हैं, हम सिंबल यूज करते हैं किस चीज का, एलिमेंट्स का, और केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं ऑफ रिएक्टेंट और प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और साथ में हम जब ये भी जो भी केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए, तो साथ में हम ये मेंशन कर देते हैं कि वो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब वो लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस में है या फिर किस अवस्था में है। ओके, तो इस चीज को हम वहां पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए तीन लाइन में, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कोई रिएक्शंस लिख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे बीच में हमने रिएक्शंस लिखा है, तो रिएक्शंस के बीच में ये एरो है, तो एरो के ऊपर आप कोई उत्प्रेरक हो या टेम्परेचर हो या फिर प्रेशर हो या फिर आप हीट दे रहे हो, तो उस चीज को इसके ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, कैसे हम बैलेंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप अगर देखें तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ऊर्जा हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग वी नाइदर क्रिएट एनर्जी एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, Therefore, the total mass of element present in the product of a chemical reactions, इसका मतलब कह रहा है कि जितने भी reactions में, कोई भी reactions उसके product में जितना total mass है वो equal होगा total mass किसके, reactant के element के बराबर होगा। मतलब LHS में अपने पास जितना भी molecules है उतना ही उस side भी RHS में भी होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर दिया गया है, balance करके दिखाया गया, Fe plus H2, iron plus water लिया, तो ये बना ferrous oxide plus hydrogen। तो यहां पे इसको बैलेंस देखिए क्या किया गया, यहां पे दिख रहे हैं आप, यहां पे आयरन है ना, आयरन यहां पे कितना है, एक है, और यहां पे आयरन कितना है, तीन है। तो हमें क्या करना है, कभी भी बैलेंस करते टाइम पे नीचे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे दिख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 3Fe। ओके, अब देख रहे हैं कि ये अब बैलेंस हुआ 3Fe, अब देखते हैं H2, तो इधर आप देख रहे हैं कि अपने पास हाइड्रोजन में जो है कितना है, दो है LHS में, और इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहां तक तो ठीक है। ऑक्सीजन LHS में कितना है, एक है, और इधर कितना है, फोर। तो फोर ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन से पहले फोर लगाएंगे ना, ये जो फोर लिखा हुआ है फोर लगा दिया। जैसे ही फोर लगाया, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो, कितना हो गया, एट। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई इधर, एट, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई एट। और इस साइड अगर एरो के बाद देखें तो हाइड्रोजन कितना है, दो, H2 है, दो है, तो इसको एट करने के लिए क्या करेंगे, फोर लगा देंगे, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया एट, इधर भी हो गया एट, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेना है। एक बार मैं और बता देता हूँ इस चीज को,
जैसे इस चीज़ को पहले देख लीजिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, ओके। तो Fe+H2O, अब इसमें आपको देखना है कि कितना हमारे पास आयरन है। तो आयरन LHS में कितना है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। LHS में आयरन की संख्या 1 है, राइट साइड में आयरन की संख्या 3 है। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके Fe में। अब क्या हो गया कि इस साइड भी 3 हो गया आयरन और इस साइड भी 3, बैलेंस हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2, और RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2। तो अभी तो बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अभी बताता हूँ, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट ऑक्सीजन LHS में कितना है, 1, एक ऑक्सीजन है, 1 है, और इस साइड कितना है, 4 ऑक्सीजन। RHS में कहाँ कितना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो इसको 4 करने के लिए LHS क्या करना पड़ेगा, H2O से पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 है ना, और इधर अपने पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभी भी 2 है। तो हमें उसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और इधर भी अपने पास ऑक्सीजन कितना है, 4 है, आयरन 3 है, आयरन 3 हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट देखें इसी में।